हे एवरीवन, वेलकम टू IFS। तो डियर एस्पायरेंट, 100 डेज चैलेंज में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं वापस से मेथड्स इन बायोलॉजी के। इसमें आज हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जैसे डेली बेसिस पर अभी तक होता आया है। 100 डेज चैलेंज अभी तक आपने नहीं लिया है तो प्लीज़ मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 100 डेज चैलेंज लीजिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए IIT JEE 2025 को यदि आप टारगेट कर रहे हैं या फिर GATE भी या SWIFT PG, तीनों एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, तो 100 डेज चैलेंज के अंदर हम डेली बेसिस पर आपको 5 क्वेश्चंस देते हैं जो कि अपलोड यूट्यूब पर तो कर नहीं सकते, तो हम अपलोड करते हैं हमारे ऐप पर, IFS के ऐप पर। ठीक है, तो आपको ऐप पर जाना है या फिर IFS की वेबसाइट पर भी जा सकते हो, वहां जाकर आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। बस आपको क्या करना है, लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद एग्जाम नेम सेलेक्ट कीजिए, एग्जाम नेम आपको IIT JEE सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप बायोटेक्नोलॉजी सेलेक्ट कीजिए, तो बायोटेक्नोलॉजी पर जैसे आप क्लिक करती है, क्लिक करने के बाद आपको लर्न फ्री का ऑप्शन, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हम आपको देते हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। ठीक है, तो लर्न फ्री के सेक्शन में जाइए, ऑनलाइन टेस्ट और स्कॉलरशिप टेस्ट के अंदर Day 1, Day 2, Day 3, Day 4, Day 5 ऐसे डेली बेसिस पर आपको क्वेश्चंस मिलते चले जाएंगे। जैसे ही अभी अब तक आपने यदि ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए तो पहले इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करें और जाकर पहले आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो डेली बेसिस पर जैसे कि कल जो आपको क्वेश्चन दिए गए थे आज मैं उसका डिस्कशन लेकर आया हूँ। और डिस्कशन देखना भी ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किए, बाकी के 3 ऑप्शन क्यों गलत है, उनकी जगह सही क्या होना चाहिए था, और 4 चीजें आपको एक्स्ट्रा सीखने को मिलती है, इसलिए वीडियो देखना भी जरूरी है। ठीक है एवरीवन, तो सिंपल सी बात है, आपको डेली बेसिस पर वो 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और डेली बेसिस पर आपको इस वीडियो को आकर यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर आपको देखना होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। उससे पहले मैं आपको एक और बता दूं, यदि आप IIT JEE में नो डाउट आप हमसे पढ़ रहे हैं, कंसिस्टेंसी के साथ हमारे वीडियो लेक्चर देखते हैं, आपका IIT JEE का एग्जाम क्वालिफाई होगा। बट सिर्फ क्वालिफाई करने भर से आपका IITs में सिलेक्शन नहीं होता है, आपको ऑल इंडिया रैंक बेहतर लानी है। और ऑल इंडिया बेहतर लाने के लिए IFS लॉन्च कर रहा है आप सभी के लिए, जितने बच्चे हमारे रह गए थे। तो 17 जून से बैच स्टार्ट हो रहा है, अभी भी लिमिटेड सीट्स होती हैं, आप 17 जून के बैच में हमारे इनरोल कर सकते हो IFS के बैच पर। ठीक है, जिसमें हम क्लासेस लेंगे डेली बेसिस पर, एफ लाइव डेली बेसिस पर हमारा आपका इंट्रोडक्शन होगा। ठीक है, तो डेली बेसिस पर याद रखिएगा 17 जून फ्लैट 50% ऑफ भी चल रहा है, यूज कूपन कोड IFS50। ठीक है, और आप GATE भी का भी बैच लॉन्च है, IIT JEE का भी बैच लॉन्च है, और यदि आप SWIFT PG के कोर्स में हमारा एनरोल करना चाहते हैं तो SWIFT PG के लिए रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल है। ठीक है, तो फ्लैट 50% ऑफ सभी पे चल रहा है, यूज कूपन कोड IFS50 सो दैट यू कैन अवेल द डिस्काउंट ऑफ 50%। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इन प्लाज्मिड वेक्टर। हम बात करते हैं वेक्टर, वेक्टर क्या करते हैं, कैरी करते हैं हमारा डिजायर्ड जीन जो आप किसी और होस्ट ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो वेक्टर उसको कैरी करके लेकर जाते हैं और ट्रांसफर करते हैं, यही काम है वेक्टर का। अब वहां पर वेक्टर की बारी आती है, तो वेक्टर को हम पहले जैसे कि प्लाज्मिड को एज एन वेक्टर हम यूज करते हैं। अब उस कैरियर मॉलिक्यूल को जैसे कि मैं आपको बताता हूं, आपको ट्रक के ऊपर लोडिंग के लिए एक मान लीजिए कोई ब्रिज वाला सामान लेकर जाना है, तो आप क्या करते हो, उसको वो जो क्लोज्ड ट्रक होता है उसका यूज ना करके आप किसका यूज करते हो, सिर्फ ओपन ट्रक का यूज करोगे, ताकि सामान वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है, और क्लोज ट्रक का यूज नहीं करते। तो मतलब आप मॉडिफाई करते हो ट्रक को एज एन, मतलब जैसे कि आपको जो लेकर जाना है, जो लोड आपको लेकर जाना है उसके ऊपर, उसके बेसिस पर आप डिसाइड करते हो कि ट्रक कौन सा होगा, ट्रक क्लोज वाला होगा, ओपन वाला होगा, या क्या होगा। ऐसे ही वेक्टर भी हम तब ऐसे डिसाइड करते हैं कि हम जो हमारा डिजायर्ड जीन ट्रांसफर करना है होस्ट के अंदर, ठीक है, तो वो डिजायर्ड जीन कैसा है, ठीक है, कितना बड़ा है। तो ऐसे ही तो हम अलग अलग टाइप के वेक्टर को यूज करते हैं, वन ऑफ द वेक्टर है प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करके हम उस एज एन वेक्टर का यूज करते हैं प्लाज्मिड। ठीक है, तो वेक्टर का एक एग्जांपल है प्लाज्मिड, आप ले सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर रहे हैं कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इन द प्लाज्मिड। अब उस प्लाज्मिड वेक्टर के अंदर हमको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन से क्या मतलब है, तो मान लीजिए मैं आपको बताता हूँ पहले तो इसके बीच की, देखो यहाँ पर बताता हूँ, ये देखो यहाँ पर ये क्या है गाइस, ये एक प्लाज्मिड है, मैंने बोल दिया आपको ये एक प्लाज्मिड है। यहाँ पर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन के लिए यहाँ पर ये कोई एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, और यहाँ पर भी एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, या फिर आपको एक एंटीबायोटिक लेना है या दो एंटीबायोटिक लेना, चलो मैं इसको रब करके कोई और दूसरा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन यहाँ पर आपके लिए मेंशन कर देता हूँ किसी और कलर से, ये जीन। ठीक है, अब मैंने आपको बोला अलग अलग जीन होते हैं, यहाँ पर कई सारे जीन्स होते हैं, यहाँ पर ये जो जीन है जो आपको शो हो रहा है, ये मान लीजिए
टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है, ठीक है, TETR मतलब टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है। और यहाँ पर एक जीन कौन सा ले लिया मैंने, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट, तो मैंने एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन ले लिया यहाँ पर। तो एक एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, एक टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है, ये प्लाज्मिड है आपका। अब आप क्या करोगे, जो डिजायर्ड जीन आपको भेजना है किसी और होस्ट सेल में, तो आप वो कैरियर तक पहुंचाओगे। तो कैरियर ये रहा वेक्टर, प्लाज्मिड वेक्टर। अब इस पे आपको किसकी लोडिंग करना है, जिसको आपको ट्रांसपोर्ट करना है होस्ट के अंदर, क्या ट्रांसपोर्ट कर, अपना डिजायर्ड जीन। जब आप डिजायर्ड जीन ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, जब डिजायर्ड जीन इस पर बाइंड करवाते हो, तो क्या पहले रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का यूज करते हो, आरई का। क्यों? क्योंकि तो प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड को पहले कट करना पड़ेगा, फिर कट में आपका जो डीएनए सीक्वेंस है, जो डिजायर्ड डीएनए सीक्वेंस है, उसको ऐड करना पड़ेगा, और फिर ये क्या करेगा, ये लेकर जाएगा। इतनी सी बात है। अब ये लेकर जाने के लिए क्या होता है कि मान लीजिए इसकी डिजायर्ड साइट जो है किसी की यहां पर है, ये क्या है, तो ये आप बोल लीजिए, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन साइट, जहां पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट लगाते हैं, तो किसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट है, तो इसको हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन साइट जहां एंजाइम कट लगाते। अब मान लो इसको वेक्टर की तरह यूज करना है, तो ये क्या करेगा, इस टेट्रासाइक्लिन जीन को कट कर देगा यहां से। टेट्रासाइक्लिन जीन को नहीं, सीक्वेंस, डीएनए सीक्वेंस को कट कर रहा है बेसिकली, तो उसकी वजह से टेट्रासाइक्लिन जीन भी क्या हो रहा है, कट हो रहा है, और उसमें आपका इंसर्ट को ऐड कर रहे हो। इंसर्ट मतलब वो डिजायर्ड जीन को आप ऐड करोगे, और जैसे ही आपने ऐड किया, ठीक है, तो आप मुझे एक बात बताओ, अब जो वेक्टर बना वो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट होगा क्या? नहीं, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो टेट्रासाइकिल से रेजिस्टेंस शो कर रहा था, जो प्रोटीन ये बना रहा था, और वो प्रोटीन बन रहा था, इसका मतलब उसका जीन होगा, उसका जो जीन था वो तो आपने कट कर दिया, तो फिर अब वो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन नहीं रहा, तो उसकी वजह से टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट प्रोटीन नहीं बनेगा, और प्रोटीन नहीं बनेगा तो फिर ये जो प्लाज्मिड है ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट नहीं होगा, ठीक है। तो इसकी वजह से जब आप इसे यूज करोगे, तो आप क्या करते हो कि आपको कैसे पता चलेगा, जब मान लीजिए इसमें से कुछ प्लाज्मिड ऐसे हुए कि आपने आपने डिजायर्ड जीन ऐड कर लिए, कुछ प्लाज्मिड ने ऐड ही नहीं करे, तो आपको कैसे पता चलेगा, आप इसको एज एन इस जीन को, ठीक है, मार्कर की तरह यूज करोगे, सिलेक्टेबल मार्कर की तरह, यानी कि आप इसको ऐसे मीडियम में रखोगे, टेट्रासाइक्लिन वाले मीडियम में, ठीक है। अब ऐसे कई सारे वेक्टर होंगे जिनके अंदर इंसर्ट ऐड हुआ होगा, और कई सारे ऐसे होंगे जिनके अंदर इंसर्ट ऐड नहीं होगा। जिनके अंदर इंसर्ट ऐड हुआ होगा वो किस साइड पर हुआ था, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट के जीन के बीच में, ठीक है। तो आपने जब इसको टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट, टेट्रासाइक्लिन मीडियम में रखा, अब इसके पास तो कोई प्रोटीन नहीं है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट प्रोटीन, जिसकी वजह से ये क्या होगा, इसकी डेथ हो जाएगी। और जो ऐसे इंसर्ट जो ऐड ही नहीं हुए थे, ऐसे वेक्टर जिनके अंदर कोई इंसर्ट ऐड ही नहीं हुआ था, उनका टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन तो काम करेगा, और वो सर्वाइव करेंगे टेट्रासाइक्लिन मीडियम में। क्यों? क्योंकि उनके पास तो रेजिस्टेंट प्रोटीन है, ठीक है, तो वो सर्वाइव करेंगे। तब आप समझ जाओगे कि जो जिनकी डेथ हुई है वो हमारे रिकॉम्बिनेंट थे, वो वेक्टर हमारे जो थे वो कैरियर थे, उनके अंदर हमारा डिजायर्ड जीन था, ठीक है। अब आप बोलोगे सर उसके क्या मतलब, तो उसकी डेथ हो गई, तो हम उसकी रेप्लिका करते हैं, तो ठीक है, हम मास्टर प्लेट में से रेप्लिका लेते हैं और उसको टेट्रासाइक्लिन मीडियम में डालते हैं। फिर आप समझ जाते हो कि अच्छा इस सर्कल पर यहाँ यहाँ डेथ हुई, इसका मतलब इस जैसा कॉपी में यहाँ और यहाँ इस सर्कल पर, मतलब हमारा डिजायर्ड जीन है, वहां से पिक कर लोगे, ठीक है। तो इसलिए तो आपको किस में काम आया, टू किल दी होस्ट सेल, नहीं, होस्ट सेल तक तो अभी तक हम पहुंचे ही नहीं थे। टू सेलेक्ट फॉर द सेल दैट हैव टेकन अप द प्लाज्मिड, हाँ ठीक है, टू मेक द प्लाज्मिड रेप्लिकेट फास्टर की बात ही नहीं हुई, टू इंक्रीज द प्लाज्मिड साइज की भी बात नहीं हुई, यहाँ पर बात ही हुई है कि आपको सेलेक्टेबल मार्कर की तरह काम में करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द प्रोसेस ऑफ डीएनए हाइब्रिडाइजेशन व्हाट इज द रोल ऑफ अ प्रोब, ठीक है, प्रोब का क्या रोल है डीएनए हाइब्रिडाइजेशन में, इन द प्रोसेस ऑफ डीएनए हाइब्रिडाइजेशन प्रोब का क्या रोल है, तो प्रोब क्या है वैसे, डीएनए का सीक्वेंस ही है प्रोब, ठीक है, डीएनए मॉलिक्यूल ही होता है प्रोब। बस इसके पास क्या होता है कि आप मान लीजिए ये एक डीएनए है, चलो मैं इसको इस तरीके से बनाता हूँ, ये एक डीएनए है, इसके खिलाफ आपने प्रोब यूज किया, तो इस प्रोब के पास ये भी डीएनए का ही सीक्वेंस होगा, बट इसके पास कॉम्प्लीमेंट्री होगा इस प्रोब के पास इस डीएनए का, जहां पर मान लीजिए आप यहां पर इसको ऐड करवा रहे हो, तो यहां पर इसका कॉम्प्लीमेंट्री के साथ ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। आप इसको क्या करते हो, इस प्रोब को आप क्या करते हो, रेडियो एक्टिव, ठीक है, ठीक है, इसको किससे रेडियो लेबल्ड कर देते हो, रेडियो लेबल्ड प्रोब कर दोगे, तो जहां ये प्रोब अटैच होगा वहां आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये प्रोब यहां पर अटैच हुआ, तो मान लीजिए वो जीन जो आप जिसको आप ढूंढ रहे हो उसका कॉम्प्लीमेंट्री प्रोब आप इंट्रोड्यूस करते हो, तो वो जीन यदि वो डीएनए के अंदर वो जीन होगा तो ये वो प्रोब उससे अटैच हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं अटैच होगा, यदि अटैच हो जाता है और रेडियो लेबल्ड है ये,
तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम स्क्रोप का यूज़ करते। तो क्या हम कट के लिए करते? नहीं, कट के लिए तो हम आर ई रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का यूज़ करते, प्रोप का यूज़ नहीं करते। टू बाइंड टू अ कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए सीक्वेंस, बिल्कुल सही है कि किसी कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए सीक्वेंस है, यानी कि उस जीन से जाकर बाइंड हो सके, इसलिए यूज़ कर सकते हैं। हाँ, इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि उस डीएनए सीक्वेंस के अंदर वो हमारा डिजायर्ड जीन है या नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, टू लाइगेट डीएनए फ्रेगमेंट टूगेदर। डीएनए लाइगेट करने के लिए तो डीएनए लाइगेस का यूज करते हैं, ना कि इसका यूज करते हैं, ठीक है। चलिए, टू एम्पलीफाई द डीएनए सीक्वेंसेस, एम्पलीफाई करने के लिए पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करते हैं, पीसीआर, ना कि हम प्रोब का यूज करते हैं। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सडन ब्लॉटिंग यूज्ड फॉर? सडन ब्लॉटिंग किस लिए यूज में आती है? तो चलिए, सडन ब्लॉटिंग यहाँ पर ये ब्लॉटिंग टेक्निक में से एक है, और सडन ब्लॉटिंग, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, और आपने पढ़ा था वेस्टर्न ब्लॉटिंग, ठीक है। तो सडन ब्लॉटिंग किस लिए यूज में आती है? तो डीएनए के, ठीक है। तो सडन डीएनए के लिए, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग जो है आरएनए के लिए, और जो वेस्टर्न ब्लॉटिंग है वो प्रोटीन के लिए, ध्यान रखना। तो इसमें आपको सडन ब्लॉटिंग पूछा है, टू डिटेक्ट द स्पेसिफिक प्रोटीन, नहीं, प्रोटीन डिटेक्शन के लिए तो अभी बताइए वो क्या है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग है, ना कि सडन ब्लॉटिंग है। टू डिटेक्ट स्पेसिफाइड डीएनए सीक्वेंसेस, अरे स्पेसिफाई स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस को डिटेक्ट करने के लिए तो आप प्रोब का यूज कर सकते हो, क्योंकि प्रोब कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस से जाकर बाइंड हो जाएगा, जिस जो जीन का आप ढूंढ रहे थे उससे जाकर बाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस के लिए प्रोब यूज कर सकते हो। टू डिटेक्ट आरएनए सीक्वेंस, अरे आरएनए सॉरी प्रोब भी यूज करते हो, और यहाँ पर प्रोब का यूज करने के लिए पता तो आप डीएनए सीक्वेंस के बारे में लगा रहे हो, तो वो किसके बारे में, डीएनए की बात करें तो वो सडन ब्लॉटिंग ही आ जाएगा यहाँ पर। हाँ, पता आप उससे भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है, तो सडन ब्लॉटिंग में आप प्रोब का यूज कर लोगे, ठीक है। तो सडन ब्लॉटिंग, टू डिटेक्ट आरएनए सीक्वेंस, आरएनए सीक्वेंस डिटेक्ट करने के लिए आप सडन ब्लॉटिंग नहीं, आप नॉर्दर्न ब्लॉटिंग करते हो, अभी जस्ट मैंने आपको बताया, ब्लॉटिंग करते हो, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, टू एम्पलीफाई डीएनए, डीएनए को एम्पलीफाई करने के लिए, अरे एम्पलीफाई के लिए तो पीसीआर करते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। तो टू डिटेक्ट स्पेसिफिक डीएनए बाय द हेल्प ऑफ अ प्रोब, हम किसका यूज करते हैं? हम यूज करते हैं किसका? सडन ब्लॉटिंग का। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेप इन सडन ब्लॉटिंग टेक्निक, इनमें से सडन ब्लॉटिंग टेक्निक के लिए कौन सी स्टेप होती है? तो पीसीआर एम्पलीफिकेशन, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, डीएनए सिक्वेंसिंग, आरएनए एक्सट्रैक्शन, कौन सी होती है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि कौन सी होती है, ठीक है, सडन ब्लॉटिंग के लिए। तो हम सडन ब्लॉटिंग के लिए जब बात करते हैं तो कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाते हैं, हाँ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाते हैं, ठीक है। आरएनए एक्सट्रैक्शन तो होगा नहीं, क्योंकि सडन में तो हम डीएनए को, ठीक है, डीएनए को सीक्वेंस करते हैं, ना कि इसको, ठीक है। तो सडन में तो हम डीएनए को लेके करते हैं, तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यहाँ पर की जाती है। पीसीआर का एम्पलीफिकेशन यहाँ पर सडन ब्लॉटिंग में हम देखते हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तो करते ही हैं, ठीक है, इन द सडन ब्लॉटिंग टेक्निक्स। तो हम इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज करते हैं सडन ब्लॉटिंग में, ठीक है। और तो यहाँ पर डीएनए सीक्वेंसेस देखते हैं क्या है डीएनए सीक्वेंसिंग का। चलिए, तो हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, क्योंकि इसके बाद क्या होता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम मेम्ब्रेन को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के बाद इसको हम नाइट्रोसेलुलोस मेम्ब्रेन पर ट्रांसफर करते हैं, याद है एक स्टेप, तो इसलिए हम यहाँ पर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तो पक्का करते हैं। व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर का मेन फंक्शन क्या है, मेन पर्पज क्या है पीसीआर का? तो पीसीआर में हम डीएनए को एम्पलीफाई करते हैं, बोल चुके हैं। टू कट डीएनए फ्रेगमेंट, वो तो आर ही करेंगे, ये तो नहीं होगा। सेकंड इज द करेक्ट आंसर, टू एम्पलीफाई स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस, टू सीक्वेंस डीएनए नहीं, ठीक है, टू ट्रांसक्राइब आरएनए नहीं, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन तो वैसे भी किसका होता है, डीएनए का होता है। चलिए, तो यदि आपने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं गाइस, तो जाकर क्वेश्चन सॉल्व कर लो, इतने बेहतरीन क्वेश्चंस आपके लिए किए गए हैं सारे डिजाइन, ताकि आप 100 डेज चैलेंज लें और आप आईआईटी जैम एग्जाम क्वालिफाई करें हमारे साथ। बस ध्यान रखना है, कंसिस्टेंसी और हार्डवर्क जरूरी है कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया है, सबसे पहले एग्जाम नेम सेलेक्ट करिए, लॉगिन करने के बाद आईआईटी जैम यहाँ पर अपर कॉर्नर पर लेफ्ट कॉर्नर, ठीक है, अपर, ठीक है, कॉर्नर पर जैसे ही आप देखोगे तो लेफ्ट कॉर्नर पर एग्जाम नेम सेलेक्ट करोगे, आईआईटी जैम जैसे सेलेक्ट हो जाता है, लर्न फ्री के सेक्शन में जाइएगा। लर्न फ्री के सेक्शन में जाने के बाद आपको ऑनलाइन टेस्ट में जाना है, और ऑनलाइन टेस्ट में आपको एक्सक्लूसिव टेस्ट मिलेगा, और ऐसे ही डे वन, डे टू, डे थ्री, डे फोर, डे फाइव, ऐसे करके आप 100 डेज चैलेंज वाले क्वेश्चन ले सकते हो। तो अभी तुरंत जाओ, 5 क्वेश्चन अपलोड हो चुके हैं, जाकर देखो। और ठीक है, यदि आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया तो गाइस हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, IFS का ऐप, IFS की वेबसाइट भी है, आप वहां जाकर एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं,
एग्जाम पैटर्न, पेपर एनालिसिस और ऐसे कई सारे फीचर्स का फायदा उठा सकते हैं। ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग गाइस।